हम खुद ही इमोशनली ब्रोकन हैं, इमोशनली हम टूटे हुए हैं, हम कहाँ से सामने वाले इंसान को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं या फिर इमोशनली उसको हेल्प कर सकते हैं उसको रिकवर करने में या उसको आगे बढ़ाने में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी, मैं हूं आपका दोस्तों कोच आनंद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीबाउंड रिलेशनशिप के बारे में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर रीबाउंड रिलेशनशिप के ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो बनाइए, एक अलग से वीडियो बनाइए। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर मेनली बात करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज रीबाउंड रिलेशनशिप होता क्या है, एंड द सेकेंड थिंग इज रीबाउंड रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। आपका ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा, रिलेशनशिप टूटा, और आप तुरंत बिना अपने खुद को हील किए, बिना खुद को इमोशनली रिकवर किए, बिना इमोशनली खुद को डिटैच किए, आप किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए, किसी मेल फ्रेंड के साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए। तो ये हुआ जी हमारे रीबाउंड रिलेशनशिप। होता क्या है, जन एग्जांपल बेसिस पे, कि हमारा रिलेशनशिप था 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 2 महीने का, हमारा रिलेशनशिप टूटा, ब्रेकअप हुआ। अब चाहे सामने वाले इंसान ने हमको चीट किया, उसने धोखा दिया, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, वो मतलब एकदम आपके लिए सही नहीं था, उसने आपकी वैल्यू नहीं की, उसने आपकी केयर नहीं की, और फिर हम किसी से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको उस टाइम पे इमोशनली ना सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि कोई इंसान हमको इमोशनली सपोर्ट करे, हमारी बातें सुने, हमारे दिल का दर्द हम बयां करें और कोई उसको सुने, और कोई हमको सहानुभूति दे, कोई हमको सपोर्ट करे। तो हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं किसी दोस्त से, किसी बेस्ट फ्रेंड से, या किसी थर्ड पर्सन से, या फिर हम डेटिंग एप्लीकेशन पे खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, किसी और को डेट करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही डेट करते हैं फिर हमें लगता है सामने वाला इंसान इज़ वेरी मच सपोर्टिव, तो हम क्या करते हैं उसके साथ तुरंत रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि चलो ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, ये बहुत बढ़िया बंदी है, ये बहुत बढ़िया बंदा है, तो इसके साथ जी रिलेशनशिप में आ जाओ। रिलेशनशिप में आ गए हम उसके साथ। अब यहाँ पे क्या है कि हमने खुद को हील नहीं किया, हमने खुद को इमोशनली स्टेबल नहीं किया, तो हम उसके साथ भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप एक इंसान से चलता ही नहीं है, ताली हमेशा दो हाथों से ही बजती है। तो जी हमें तो सपोर्ट मिल रहा था उस टाइम पे, उस इंसान ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी उम्मीद दी हमें कि नहीं ऐसा नहीं होता, खुद को मूव ऑन करो, ही वॉज नॉट राइट फॉर यू, शी वॉज नॉट राइट फॉर यू, एंड दिस एंड दैट। आपने सोचा कि वाह कितना अमेजिंग इंसान है ये। फिर थोड़े से टाइम के बाद उसने भी अपनी ओर से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट किया आपसे कि आप भी उसको इमोशनली सपोर्ट करो, या आप भी उसको जो है थोड़ा सपोर्ट करना स्टार्ट करो मोरली, इमोशनली, या मोटिवेट करो उसको। और वो मोटिवेशन आपके अंदर है ही नहीं, वो सपोर्ट आपके अंदर है ही नहीं, क्योंकि आप पहले से खुद ही टूटे हुए हो। तो एक टूटा हुआ इंसान किसी और को क्या ही जोड़ेगा, एक टूटा हुआ इंसान जो डीमोटिवेटेड है वो किसी को क्या मोटिवेट करेगा। हम खुद ही इमोशनली ब्रोकन हैं, इमोशनली हम टूटे हुए हैं, हम कहाँ से सामने वाले इंसान को इमोशनली स्टेबल कर सकते हैं या फिर इमोशनली उसको हेल्प कर सकते हैं उसको रिकवर करने में या उसको आगे बढ़ाने में। तो फिर वहाँ से सामने वाला इंसान कहता है ये व्हाट इज़ दिस, ये तो या फिर चल नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ से रिलेशनशिप टूटना स्टार्ट होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में केवल एक इंसान अपनी ओर से एफर्ट्स देता है तभी रिलेशनशिप चलता है। थोड़े से टाइम के बाद जो जिस इंसान ने एफर्ट्स डाले, जिस इंसान ने मेहनत की, वो भी अपनी ओर से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करता है कि मेरे को भी सपोर्ट मिले, मेरे को भी केयर मिले, मेरे को भी प्यार मिले, मेरे को भी ये जो है पैम्परिंग करे। समझ रहे हो आप, वहाँ से कुछ होता नहीं हमारी ओर से, क्योंकि हम ऑलरेडी टूटे से हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमेशा पहले इस चीज़ से निकले नहीं है। तो हमको और चाहिए उससे कि हमको ये और इमोशनली सपोर्ट करे और हमारा साथ दे, जो कि होता नहीं है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप वहाँ से थोड़ा क्लैशेस आना स्टार्ट होते हैं, झगड़े होना स्टार्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होना स्टार्ट होती हैं, फिर उसके बाद ये भी रिलेशनशिप टूट जाता है। बहुत कम चांसेस में रिबाउंड रिलेशनशिप जो है वो चलता है, मोस्टली केसेस में 95% केसेस में रिबाउंड रिलेशनशिप टूट ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है कि यू आर चेजिंग रिलेशनशिप्स, यू आर चेजिंग पीपल, आप लोगों को चेज कर रहे हो, आप किसी बंदा को, आप किसी बंदी को, लोगों को चेज कर रहे हो, कि उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे, आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो हो सकता है थर्ड पर्सन आपको वो चीज़ दे, लेकिन दैट इज़ यूजुअली नॉट पॉसिबल। तो हमको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बिफोर वी गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, पहले हम खुद को हील करें, पहले हम खुद को स्टेबल करें, पहले हम खुद को रिकवर करें, इमोशनली खुद को डिटैच करें, तभी जाके हम दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए। अगर हम खुद को हील ही नहीं किया, हमने खुद को रिकवर ही नहीं किया, फिर हम दूसरे इंसान के साथ आएंगे, होगा बेड़ा गर्क, आपका भी उसका भी, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका भी टाइम पास होगा, उसका भी टाइम पास होगा, और कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आपका भी दिमाग खराब, सामने वाले इंसान का भी दिमाग खराब। तो बेटर है कि पहले हम खुद को हील करें, पहले हम खुद को रिकवर करें,
अगर आपको लगता है कि जी हमने खुद को हील कर लिया, हमने खुद को स्टेबल कर लिया, टेक योर टाइम। चाहे आपको लगता है मेरे को 2 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का टाइम चाहिए, महीना भर का टाइम चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को इमोशनली डिटैच करने के लिए, टेक दैट मच टाइम। पहले खुद को हील करो, रिकवर करो, फिर उसके बाद अगर आपको लगे तब जाके आप चेंज करना स्टार्ट करो, या फिर तब जाके आप रिलेशनशिप में आओ। ये नहीं कि बस ये भी फेल हुआ फिर इसके साथ हम आ गए। अरे क्या फ़ायदा है यार, क्या फ़ायदा है? पहले ही हमारा दिल टूटा हुआ है, पहले ही हम टूटे से हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है कि हम सामने वाले इंसान के साथ जुड़ जाएंगे या फिर सामने वाले इंसान के साथ हम एक हो पाएंगे? वहाँ पे भी हो सकता है हम पहले से टूटे हैं, उसके साथ भी हम आ गए और हम टूट गए और हम इमोशनली ब्रोकन हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। पहले हम चलो मान लो घाट के नहीं थे तो घर के थे, अब ना तो हम घर के हैं ना घाट के हैं, कहीं के नहीं रहे। तो ऐसा मत करो। रिलेशनशिप खराब हुआ, टूटा, उसने चीट किया, केयर नहीं की, वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की, कोई बात नहीं। पहले खुद को हील करो, इमोशनली रिकवर करो, डिटैच करो, फिर उसके बाद लगे अगर आपको दिल से आए कि नाउ आई एम रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, देन गेट इन टू इट। अदरवाइज यू डोंट हैव टू गेट इन टू इट। आराम से अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। सिंगल भी रहा जा सकता है और खुश रह सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है कि कोई ना कोई इंसान तो चाहिए एट अ टाइम, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ब्रेक लो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो और चुपचाप आगे बढ़ो विद अ पीस, विद द हैप्पीनेस। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन गाइड करूं एक कॉल पे पर्सनली एंड प्राइवेटली, तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मेरी टीम को 8290340014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। श्री कृष्ण ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।